कोरोना के नए वेरिएंट ने जहां देश दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, कई जगहों पर पाबंदियां लगाने की मांग लगातार की जा रही है। और इस बीच मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने खतरे को काल्पनिक बताया है। दरअसल कॉलेजों के खुलने के बाद संक्रमण बढ़ने के आसार पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री मोहन यादव ने इसे काल्पनिक बताया है और उन्होंने कहा कि अगर परिस्थितियां बदली तो उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। अभी तक का हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड में अभी हमको ऐसा कोई लक्षण तो यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जो होगा उसकी तो हम तैयारी करेंगे। ये भी भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर यशस्वी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, उसी परिपालन में हमने हमारी सभी गतिविधि सामान्य की है। ऊपर वाले से कामना की जिस ढंग से वैक्सीनेशन हुआ है, 8 करोड़ से ऊपर 8 करोड़ 57 लाख हमने यहाँ वैक्सीनेशन हुआ मध्य प्रदेश में, उसके बलबूते पर जो सामान्य स्थिति दिख रही है उसमें यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद जिन्होंने दवाई उपलब्ध कराई है। और धीरे धीरे जिस ढंग से हमारा पूरा प्रदेश सामान्य हो रहा है, हम उम्मीद करेंगे वैक्सीनेशन के बलबूते पर हम सब परिस्थिति से बाहर आए।